बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। पंजाब पुलिस गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ये छापामार कार्रवाई सुबह 7 बजे से ही कर रही है। ऑपरेशन दोपहर 2 बजे तक चलने वाला है। जानकारी आ रही है कि सभी जिलों में ये एक्शन चल रहा है। छापेमारी का संदिग्ध व्यक्तियों को राउंड अप करने के आदेश शाम 5 बजे ADGP को रिपोर्ट सौंपी जानी है। यह एक्शन ताबड़तोड़ जारी है, यही जानकारी है। 2 बजे तक यह एक्शन चलेगा, जो सुबह 7 बजे छापेमारी की प्रक्रिया, ये पूरी ऑपरेशन शुरू हुई, दोपहर 2 तक चलने वाला है और शाम 5 बजे ADGP को पूरी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जानी है। गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए ये रेड हो रही है पंजाब पुलिस की। अलग अलग जगह पर छापेमारी सुबह 7 बजे से शुरू हुई, ऑपरेशन दोपहर 2 बजे तक चलेगा। सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों को राउंड अप करने के आदेश दे दिए गए हैं। शाम 5 बजे ADGP को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ये माना जा रहा है कि छापेमारी में कई खुलासे हो सकते हैं। उम्मीद है कि कई बड़े दूसरे नाम भी निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि गोल्डी बराड़ के जो करीबी गैंगस्टर्स हैं उनको पकड़ने के लिए ये छापामार कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो गोल्डी बराड़ के करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, करीबी गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए जारी छापेमारी, भारत और कनाडा तनाव के बीचों बीच ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जी न्यूज आपको बता रहा है। पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की जो पूरी कार्रवाई है, जो पूरी प्रक्रिया है वो जारी है। करीबियों पर गोल्डी बराड़ के शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। छापेमारी का इनपुट आ रहा है, सुबह से छापेमारी जारी है, दोपहर 2 बजे तक छापेमारी जारी रहेगी और शाम 5 बजे ADGP को इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाने के इनपुट्स मिल रहे हैं। पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत होती हुई, शिकंजा कसने की शुरुआत हो चुकी। मनोज जोशी हमारे साथ है। मनोज, कनाडा को पाकिस्तान बनाकर छोड़ेंगे ट्रूडो, ये तो हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन जो एक्शन इस वक्त पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ जारी है उसमें छापेमारी का ब्रेकिंग इनपुट इस वक्त आ रहा है। कौन कौन सी लोकेशंस जहां पर ताबड़तोड़ छापे जारी हैं गोल्डी बराड़ के करीबियों पर शिकंजा कसते हुए? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की ओर से पूरा आज मॉर्निंग सुबह 7 बजे से सभी जिले के जो SSPs हैं, DIG हैं और जो IG हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो गोल्डी बराड़ जो है उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी स्लीपर सेल हैं या उसके आसपास के लोग हैं जो उसके जानकारों को जानते हैं, जिनके साथ वो रहता था या जिनकी कोई इनपुट मिला है कि वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसको फोन आता था या उनकी कहीं पे कॉलिंग होती है, तो उन सभी के सभी जो लोग हैं उनके आसपास के घरों पे जाकर के उनके आसपास के एरिया में और उनसे संबंधित लोगों के यहाँ पे आज रेड किए जा रहे हैं। तो सुबह से ही जो टीमें हैं वो इस काम पर लगी हैं, नाकेबंदी की जा रही है, जो नाके लगाकर बैरिकेड लगाकर उस एरिया को सील किया जा रहा है और पूरे घर में जाकर के जहाँ भी वो रहते थे, जहाँ पता है उनके घर में जाकर के तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अगर कोई भी जो व्यक्ति संदिग्ध मिलता है जिसकी जानकारी नहीं होगी उसको वो राउंड अप करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे। और जब भी ऐसा अभियान चलाया जा रहा है तो वहां से बहुत से कई बार हथियार मिले हैं और कई लोगों को राउंड अप पहले भी किया गया है। जी ठीक मनोज जोशी, आप नजर बना के रखिएगा, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो जहां भारत कनाडा के बीच जो तल्खियां हैं बढ़ती जा रही हैं, कई बयान इस बीच सामने आए हैं, लेकिन जो पूरा विवाद है उससे भी हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो एक तरफ जहां पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लगातार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और कनाडा के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के जो सरकार के लोग हैं वो अपनी ही सरकार पर कहीं निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार के लोग ये भी कह रहे हैं कि देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। पूरा विवाद आपको समझाते हैं। भारत का एक्शन और ट्रूडो की बढ़नी टेंशन लाजमी है, दोनों देशों के बीच में समन्वय बनाने पर बात है। साथ ही कनाडा पर भारत का रवैया सख्त है, लगातार भारत इस पूरे घटनाक्रम में फ्रंट फुट से लीड कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन साझा की गई। मौजूदा हालात पर विदेश मंत्री ने कनाडा की ताजा स्थिति से अवगत कराया पीएम को। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके लिए इस बीच एडवाइजरी भी जारी की है। कनाडा में भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है एडवाइजरी में। तो वहीं भारत की एडवाइजरी जैसी जारी होती है कनाडा का बयान भी सामने आ जाता है और कनाडा के बयान में कहा जाता है कि कनाडा बिल्कुल सुरक्षित देश है। NIA ने फरार खालिस्तानी आतंकियों पर इनाम जारी किया है और साथ ही 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। यह पूरा विवाद है और विवाद के बाद ये तमाम जो
कदम उठाए गए हैं भारत की तरफ से और कनाडा की तरफ से, क्या कुछ बयान सामने आए वो आपके सामने, और साथ ही अमेरिका ने अब भारत का समर्थन किया है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम दोनों ही देशों के संपर्क में हैं और समन्वय बनाने पर लगातार बात की जा रही है। तो इस वक्त की दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, कनाडा खालिस्तान पर एक्शन की मांग, भारत ने जारी की बाकायदा एडवाइजरी जिस पर जवाब आया कनाडा का, और पहली तस्वीर जिस पर हम अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ देखिए, एक तरफ जो बड़ा एक्शन है पंजाब में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तौर पर, छापेमारी के तौर पर शुरू हो चुका है, खालिस्तानियों के हमदर्दों पर शिकंजा कसने की तैयारी छापेमारी के माध्यम से सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, दोपहर 2 बजे तक की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रहने वाली है। Z News.